आज हम सीखेंगे 4x4 का मैजिक स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनाना। उससे पहले हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 4x4 मैजिक स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम 20। व्हाट इज द मैजिक सम ऑफ द स्क्वायर कंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हमको एक 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनाना है जो स्टार्ट होगा 20 से। सबसे पहली बात ये 4x4 क्या है। 4x4 मतलब होता है वो मैजिक स्क्वायर जिसके अंदर 4 रोज होते हैं और 4 कॉलम होते हैं। अब ये रो और कॉलम क्या होता है, ये आपके पास रो ऐसे हॉरिजॉन्टली, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, कॉलम ऐसे होते हैं वर्टिकली, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। ठीक है, अब हम इसमें अपना ये 4x4 का मैजिक स्क्वायर बनाएंगे, जो बहुत ही आसान है बनाना और बहुत सिंपल है बनाना। देखो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में बोला है ना स्टार्टिंग फ्रॉम 20, तो फिर 20 से ही स्टार्ट करते हैं। जब 20 बोला है क्वेश्चन में तो यहाँ क्या करेंगे हम, 20 से टेबल लिखना शुरू करेंगे, काउंटिंग, सॉरी टेबल नहीं, काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसको कैसे फिल करेंगे। देखो पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है हमारी डायगोनल्स। डायगोनल्स मैं यहाँ लिखती हूँ क्या होते हैं डायगोनल्स। ये हमारे डायगोनल्स, मैं कट लगा रही हूँ, उन्हें बोलते हैं, ये इन्हें बोलते हैं डायगोनल्स। जैसे भी मैंने आपको बताया ना, इन्हें रो बोलते हैं और इनको कॉलम बोलते हैं, ऐसे इनका भी एक अपना नाम है, इनको बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, तो आप देख लो मैंने ये कट लगा दिया है पेंसिल से, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो बाकी के जो नंबर बचे हैं ना, इनको ऐसे ही प्लेस कर दो इसमें सेम। देखो 21, 22, यहाँ सिर्फ यही दो नंबर बचे हैं, 24, 28, 33, 34, 27, 31, सिर्फ डायगोनल्स वाले नंबर मैंने नहीं लिखे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप था मेरे पास काउंटिंग लिखना, 20 से स्टार्ट करनी थी। सेकेंड स्टेप है मेरे पास अपने डायगोनल्स को कट कर देना, लेकिन कट ऐसे करना है कि हमें नीचे के नंबर दिखे, कि ऐसे कट ना कर दें कि नंबर ही ना दिखे। ठीक है, थर्ड स्टेप है मेरे पास जो नंबर बच गए हैं उनको ऐसी दूसरे एक बॉक्स में प्लेस कर देना। बॉक्स याद रखना 4x4 का ही बॉक्स होना चाहिए, 4x4 मतलब 4 रो और 4 कॉलम ही होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ये मैंने नंबर कट किए इनका क्या करें, फिर इनको क्या करना है, इनको इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब जो टॉप पे है ना उसको नीचे ले आओ, ठीक है, और जो नीचे है उसको टॉप पे ले जाओ। बहुत आसान है, देखो 20 यहाँ टॉप पे है तो मैं इसको यहाँ नीचे ले आती हूँ, ठीक है ना, और 35 यहाँ बिल्कुल नीचे लिखा था, अब मैं इसको टॉप पे ले जाती हूँ। चलो ये दो तो हो गए इस डायगोनल के, और ये दोनों ये आपस में इंटरचेंज कर दो, ये टॉप और बॉटम तो है नहीं ना, ये तो बीच में है, इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं हम। यहाँ लिखते हैं हम 30, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये आपस में इन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली है, ये रहा आपका 25। ठीक है, सिमिलरली इस डायगोनल का करते हैं, ये टॉप पे था ना 23 यहाँ लिखा था ना, इसको यहाँ ले आओ, ये 32 यहाँ लिखा था ना यहाँ, इसको यहाँ ले जाओ। ठीक है ना, और इनका क्या करना है, इनको आपस में ही चेंज कर देते हैं, यहाँ 26 लिख देते हैं और यहाँ क्या करते हैं 29 लिख देते हैं। ठीक है, आप देख लो बाकी के मेरे नंबर ऐसे ही हैं। अब कुछ नहीं है, बस अब आगे हमारा फाइनल आंसर, तो चलो फाइनल आंसर निकालते हैं।
सब लिख दो, 35, 21, 22, 32 यही लिख रही हूँ मैं, सेम 24, 30, 29, 27, 28, 26, 25, 31 23, 33, 34, 20 ये है मेरा 4x4 का मैजिक स्क्वायर। अब इसमें एक और चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, वो क्या है आपके पास क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी गई है, मैजिक सम। सम भी तो पता होना चाहिए जो हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट किया है। तो क्या करूँ, सारे नंबर एक साथ प्लस कर दें? नहीं, मैजिक सम हम लोग कैसे निकालते हैं, इनर नंबर्स को प्लस करके। अब ये इनर नंबर क्या है, इनर नंबर है आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूँ इनर नंबर तो ये है आपके इनर नंबर। देखो मैं बॉक्स बना रही हूँ, इन्हें बोलते हैं इनर नंबर, मतलब अंदर वाले नंबर, ठीक है। अब अगर मैं इन्हें प्लस करूं तो कितना आएगा, 30 प्लस 29 प्लस 26 प्लस 25। जब आप इन सबको प्लस करोगे ना तो आपका 110 आएगा, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये मेरा जो मैंने मैजिक स्क्वायर बनाया है ये सही है या गलत है, उसे चेक करने का भी एक बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे पास। वो क्या, जो ये आपका इनर नंबर का सम आया है ना 110, अब आप चेक करो आपके सारे रो का सम 110 होगा, कॉलम का भी 110 होगा, डायगोनल्स का भी 110 होगा। चलो एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। जब हम इनको, ये कॉलम थे ना मैंने यहाँ लिखा था ये कॉलम है, इनको प्लस करेंगे तो इनका सम आएगा आपके पास 110। इनको प्लस करोगे तो भी 110 ही आएगा, जब इन चारों को प्लस करोगे तो भी 110 आएगा, इनको करोगे तो भी 110 आएगा। सिमिलरली रो का चेक करते हैं, ये थी ना रो ऐसे, जब आप इसको करोगे तो भी 110 आएगा, इसको करोगे तो भी 110 आएगा, इसको करोगे तो भी 110 आएगा, और इसको करोगे तो भी 110 आएगा। चलो अब डायगोनल्स में भी चेक कर लें, डायगोनल्स मैंने अभी आपको बताए थे ऐसे, ये थे, यही है ना आपके डायगोनल्स, तो मैं यहाँ एरो बना रही हूँ। जब आप इन चारों को प्लस करोगे ना तो भी आपका 110 ही आएगा। उसी तरीके से एक डायगोनल ये था ना आपके पास, तो इसका एरो मैं यहाँ बनाती हूँ, जब हम इन चारों को प्लस करेंगे तो भी हमारा 110 ही आएगा। तो आप देख लो हर तरीके से हमारा आंसर 110 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो जो भी आंसर आपका इनर वाले से आया है, इनर नंबर से आया है, वही आंसर आपका बाकी सबसे आएगा 110। अगर आ रहा है तो आपने मैजिक स्क्वायर सही बनाया है, और अगर नहीं आ रहा है तो आपका मैजिक स्क्वायर पे कहीं ना कहीं गलती है। वैसे ही मैजिक स्क्वायर बनाना बहुत आसान है, सिर्फ कुछ ही स्टेप्स इसमें हैं जो हमें देखने हैं। पहले एक 4x4 है तो 4x4 का बॉक्स बनाना है, जहाँ से हमसे बोला गया है वहाँ से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, डायगोनल्स को इंटरचेंज करना है उसके नंबर्स को, टॉप वाला बॉटम में आ जाएगा और जो अंदर वाले इनर नंबर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बस बन गया। और उसके बाद हमें इनर वाले नंबर्स का सम निकाल के देख लेना है कि हमारे मैजिक स्क्वायर का क्या सम आ रहा है ना आसान। तो बहुत ईजिली हम इसको बना सकते हैं अगर आप केयरफुली इन स्टेप्स बाय स्टेप इसको बनाने की कोशिश करोगे तो, ठीक है। मैंने आपको 20 से दिया है, आप इसे किसी और नंबर से ट्राई ज़रूर करना, स्टेप बाय स्टेप करना जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी कि मैजिक स्क्वायर बनाना आपने एक नए तरीके से सीखा है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।